हम ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं तो विपक्ष कहता है कि ईडी, सीबीआई, आईटी सारे के सारे इदारे जो हैं, इलेक्शन कमीशन को भी जोड़ते हैं वो, कि सारे इदारों पर बीजेपी हावी है और लेवल प्लेइंग फील्ड है ही नहीं. मतलब दे ऑलरेडी मेकिंग द ग्राउंड कि इलेक्शन जो है वो फेयर नहीं हो सकता. इसमें एक भी कानून मेरी सरकार ने नहीं बनाया, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, चाहे इलेक्शन कमीशन। ऊपर से हमने तो इलेक्शन कमीशन में सुधार किए हैं। आज इलेक्शन कमीशन बनता है तो ऑपोजिशन भी उसमें होता है। पहले तो प्रधानमंत्री एक फाइल पे साइन करके इलेक्शन कमीशन बना देता था, और जो उनके परिवार के साथ निकट जुड़े थे ऐसे ऐसे लोग इलेक्शन कमिश्नर बने थे। ऐसे लोग इलेक्शन कमिश्नर बने थे जो वहाँ से निकलने के बाद राज्यसभा के मेंबर बने, उनकी सरकार के मिनिस्टर बने। ऐसे इलेक्शन कमिश्नर बने थे जो कांग्रेस के बाद में कैंडिडेट बने। और इसलिए हम उस लेवल पे प्ले नहीं कर सकते, तो हमारा लेवल प्ले फील्ड हो ही नहीं सकता। हम ऐसे बन ही नहीं सकते। हम अच्छे रास्ते पर जाना चाहते हैं, हम उस रास्ते पर जाना नहीं चाहते। दूसरी बात है, आखिर ईडी सीबीआई कैसे बनी? ईडी वगैरह का आप देखेंगे या इलेक्शन कमीशन, अपने एक कहावत है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। और इसलिए कभी ईवीएम का बहाना निकालेंगे, कभी मूलतः पराजय के लिए वो कुछ रीजनिंग अभी से सेट करने में लगे हैं ताकि पराजय उनके खाते में न चढ़ जाए। वो कह रहे हैं लड़े कैसे आप, या तो ऑपोजिशन लीडर्स को जेल में डाल रहे हैं या फिर अगर वो आपकी पार्टी में आ गए तो सारे पाप धुल गए. कितने ऑपोजिशन लीडर जेल में हैं, कोई मुझे बताए? और क्या यही ऑपोजिशन लीडर उनके सरकार चलाते थे? या जेल का डर है. हाँ, डर तो पाप का होता है जी, ईमानदार को क्या डर होता है? मेरे यहां भी तो उन्होंने मेरे होम मिनिस्टर सबको जेल में डाल दिया था। दूसरा, ईडी की बात करते हैं। आप गुजरात के बारे में कह रहे हैं जब आप हाँ, मैं मुख्यमंत्री थे. मुख्यमंत्री था। अच्छा, जो ईडी की बात करते हैं, ईडी ने जितने केसेस किए ना, उसमें से सिर्फ, देश को समझना, सिर्फ 3% ही पॉलिटिकल लोग इन्वॉल्व है जिन पर एक केस हुए हैं। 97% जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, ऐसे लोगों है को हुआ है, जो कोई ड्रग माफिया है, कुछ अफसर हैं जो करप्शन करते हैं, कुछ अफसर हैं जो बेनामी संपत्ति बना के बैठे हुए हैं। 97% केस उन पर हुए हैं, जेलों में वो लोग गए हैं। अच्छा, मजा देखिए, ईडी एक स्वतंत्र संस्था को काम कर देना चाहिए, नहीं करने देना चाहिए? बनाई क्यों भाई? 2014 से पहले ये संपत्ति अटैच करने का ईडी को अधिकार है। 2014 से पहले उन्होंने सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की। कौन रोकता था ईडी को भाई? और किसके लाभ में कर रहा? मेरे कालखंड में गलत काम करने वालों की 1,00,000 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच हुई है। कई देश की जनता का पैसा नहीं है। दूसरा आंकड़ा तो आप और हैरान हो जाओगे, 2014 पहले इसी ईडी ने देश में से 34 लाख रुपए, 34 लाख रुपया कैश जब्त किया था। मतलब कि स्कूल बैग में आ जाए इतना पैसा, स्कूल बैग में आ जाए। पिछले 10 साल में हमने 2,200 करोड़ रुपया कैश जब्त किया है, 2,200 करोड़ रुपया कैश जब्त किया है। कहाँ 34 लाख, कहाँ 2,200 करोड़। 34 लाख रुपया एक बैग में आ जाता है, 2,200 करोड़ रुपया शिफ्ट करना है तो वो हाथी का छोटा सा टैंक ट्रक आता है ना, 70 ट्रक लगेंगे तब जाकर के इतना रुपया। इतना रुपया हमने ईडी ने हमारे यहाँ हमारे कार्यक्रम में, इसका मतलब ये है कि ईडी सही काम कर रही है। कैश पकड़ा है भाई, लोग पकड़े ने, कैश भी पकड़ा है। और मेरा ये कमिटमेंट है, मैं ये कन्विंस हूं कि भ्रष्टाचार ने देश को तबाह करके रखा है। हमें देश में से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए।
पूरी ताकत से लड़नी चाहिए, और ये मेरा व्यक्तिगत रूप से मेरा ये कन्विक्शन बना हुआ है।